तो शुरू करते हैं आज का क्लास और आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5-6। आप बोर्ड पे देख रहे हैं, चैप्टर चल रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हेलो बच्चों, और दो क्वेश्चन अभी बोर्ड पे मेंशन है, और जो बच्चे यह वीडियो क्लिक किए हैं उनको बता दें कि एक और इसके पहले का वीडियो अपलोड हो चुका है, पहले आप वो देख लें। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर्स का लेक्चर 2 है ये, इसके पहले लेक्चर 1 जो है अपलोड हो चुका है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट किए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स नाम है चैप्टर्स का एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नाम है इसका पूरा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक शुरू नहीं किए हैं। लेक्चर 1 जो बात हुआ था उसमें भी अभी सिर्फ हम लोग इमेजिनरी नंबर बात किए हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात आज की क्लास में भी नहीं करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। यानी कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पूर्ण रूपेण इमेजिनरी नंबर पे ही है। आप पहला वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में सीखे हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है, उसके पावर्स के बारे में सीखे हैं, और आज के क्लास में हम लोग उसमें, चूंकि फर्स्ट लेक्चर में 4 क्वेश्चन भी हो चुका था, और आज क्वेश्चन 5 से शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में जो बच्चे देखे हैं वो उनको पता ही होगा, और जो नहीं देखे हैं उनसे मेरा सलाह है कोई जाकर देख लें वहाँ पर, तब यह आज का वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। और वीडियो 1 घंटे का बनता है आपका, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक से पढ़िए, घर पर कीजिए मेहनत। देखिए बाबू, क्या है कि कल लास्ट क्लास में सिर्फ तुमको 2-3 बात ही मेन सिखाए थे कि √-1 को आयोटा आई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और आयोटा कहते हैं, और यह कौन सा नंबर है, आई इमेजिनरी नंबर है। और इसके बाद बात हुआ था कि जब आई बोल दिए, आयोटा बोल दिए √-1 को, तो आई पे पावर 0 को हम लोग 1 बोलेंगे, आई टू द पावर 1 को आई ही बोलेंगे, आई स्क्वायर को हम लोग -i बोलेंगे, आई क्यूब को हम लोग -i बोलेंगे, और आई टू द पावर 4 को हम लोग 1 बोलेंगे। जबकि अगर आई टू द पावर n हो, जहाँ पे n 4 से बड़ा हो, तो उसको हम लोग आई टू द पावर 4m+r से रिप्रेजेंट करेंगे, और वैल्यू होता आई पे पावर r, r रिमाइंडर है n 4 से बड़ा है, तो और n को 4 से डिवाइड करने पे लेट m बी द कोसेंट एंड r बी द रिमाइंडर, देन i टू द पावर n इज रिटन एज i टू द पावर r। ये बात हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, इसी बात को खूब लंबा चौड़ा विस्तार से हम 1 घंटे का लेक्चर लिए थे, और उसमें तुमको सब कुछ सिखाए थे। इसके बाद हम लोग सीखे थे कि इसमें 4 क्वेश्चन सीखे थे हम लोग, ये 4 क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील किए थे वो सीखे थे, और स्टार्ट करते वक्त हम तुमको सिखाए थे एक डेफिनेशन इमेजिनरी नंबर का। रियल नंबर का डेफिनेशन तुम क्लास 10 तक पढ़ के आए हो, चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 में रियल नंबर, वो सीख के आए हो कि द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। और लास्ट लेक्चर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सिखाए थे इमेजिनरी नंबर के बारे में कि द नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और तब हम लोग एक बेसिक यूनिट √-1 को आई बोले, और ये पावर्स है, उसके बारे में पावर्स है आई का, और यहाँ पे अगर n 4 से बड़ा हो, पावर अगर 4 से बड़ा हो, तो आई पे पावर n को आई पे पावर r लिख सकते हैं, वेयर r इज रिमाइंडर, कब, जब n को 4 से डिवाइड करने पे m कोसेंट हो, r रिमाइंडर हो, तब। ये बात हो चुका था, यहाँ पे r के बारे में पता है आपको कि r जो है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा होगा। तो ये बात हम लोग कल सीख चुके थे लास्ट वीडियो में, आज आगे बात को बढ़ाते हैं। 2 क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन कर दिए हैं, 2 क्वेश्चन बनाने के बाद इरेज करके आगे की बात करेंगे। पहले क्वेश्चन करते हैं 5, देखोगे क्या, जहाँ यहीं पे 4 पे ख़त्म किए थे लास्ट वीडियो को लेक्चर 1 में, और ये लेक्चर 2 अपलोड हो रहा है आपका, लेक्चर 2 नाम से कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम, और नीचे में लिखा होगा आपका लेक्चर 2, ठीक है। तो जो बच्चे लेक्चर 2 ही देख रहे हैं वो लेक्चर 1 जरा देख लें, फ़ायदा होगा उनका। तो अब 5 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे कि कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। शो दैट −√-1 होल टू द पावर 4n+3 इज इक्वल टू आई, और n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, n बिलोंग्स टू जेड प्लस, जेड का मतलब इंटीजर, और जेड के ऊपर प्लस से मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो i टू द पावर 4n+3 −√-1 टू द पावर 4n+3, तो बच्चा तुमको पता ही है ना, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बाबू √-1 को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली है −i^4n+3 है, और क्लास 7th-8th के एक्सपोनेंट लॉ जानते हो अगर, तो तुमको पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं ना, क्यों भाई, क्योंकि पता है आपको कि अगर a टू द पावर m प्लस n हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ऐसा लिखा जा सकता है, वही लिखे हैं। फिर एक और नियम जानते हो तुम कि अगर a टू द पावर m
होल पावर एन है तो ए टू द पावर एम इंटू एन, या कहीं पे अगर ए टू द पावर एम इंटू एन है तो ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस आई होल टू द पावर फोर और होल टू द पावर एन इंटू माइनस आई का क्यूब। अब पता है तुमको माइनस आई का क्यूब, रुक जाओ, यहाँ पे क्या होगा, अब माइनस आई टू द पावर फोर है तो अगर पावर इवन नंबर है तो नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर पावर इवन नंबर है तो नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो ये बन जाएगा आई टू द पावर फोर होल टू द पावर एन इंटू माइनस आई का क्यूब। ये पता है कि नेगेटिव है यहाँ पे और ऊपर में पावर क्या है, थ्री है, यानी कि ऑड नंबर, तो ये नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव को हम लोग आगे लगा देते हैं, ऐसे नेगेटिव आगे लगाते हैं और आई टू द पावर थ्री यानी कि आई क्यूब तो रहेगा ही, ठीक है। नेगेटिव है, पावर थ्री है तो ऑड नंबर है पावर, तो नेगेटिव बाहर आएगा, बाहर यहाँ लिखे इंटू है या यहाँ लिखे, एक ही बात है ना, लिख दिए इज इक्वल टू माइनस आई टू द पावर फोर का वैल्यू वन होता है तो वन टू द पावर एन इंटू, और आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आई, देखिए आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई इज इक्वल टू माइनस है यहाँ पे और वन टू द पावर एन, और एन क्या है भाई, एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो वन, अगर वन पे पावर अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है लाइक टू थ्री फोर फाइव कुछ भी तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वन ही रहेगा ना फिर, तो माइनस वन पे पावर एन क्या बनेगा, माइनस वन, और यहाँ पे क्या बना, माइनस आई, माइनस इंटू माइनस प्लस आई, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आई, आई लाना था आ चुका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन चार हो गया, क्वेश्चन फाइव हो गया, सॉरी चार नहीं पाँच हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे बात करते हैं, ठीक है। सिक्स में देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे, सिक्स में वन प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर फोर प्लस जरूरत पड़ने पर आई पावर सिक्स, वहाँ पे डॉट 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 है मतलब आई पे पावर सिक्स आई पे पावर एट ऐसे जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस आई टू द पावर टू एन, और इसको हम लोग को इवेल्युएट करना है। अब चूंकि तुम लोग क्लास टेंथ पास आउट हो, सिर्फ एलेवेंथ में हो तुम लोग, और अगर तुम ए पी जी पी पढ़ चुके हो पहले से तो ठीक है, पता होगा तुमको। अगर ए पी और जी पी चैप्टर नहीं पढ़े हो, ए पी तो तुम क्लास टेंथ में ही पढ़े हो ना, ए पी क्लास टेंथ में पढ़ चुके हो, बट ए पी के अलावा एक और प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन तीन टाइप का होता है। प्रोग्रेशन क्लास टेंथ में तुम सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि ए पी पढ़े हो, जबकि अभी एलेवेंथ में तुमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ साथ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना है। एक और होता है प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो अभी इंजीनियरिंग के एग्जाम में तो पूछा जाता है, बट एलेवेंथ के सिलेबस से हार्मोनिक प्रोग्रेशन को रिड्यूस कर दिया गया बहुत पहले ही। तो तुम्हारा सिलेबस जो है एलेवेंथ का वो ए पी एंड जी पी ही है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि एच पी तुम्हारे सिलेबस में अब नहीं है, ट्वेल्थ एलेवेंथ के सिलेबस में अब नहीं है। तो एलेवेंथ में पढ़ना है, ट्वेल्थ बोलने का मतलब कि तुम्हारे पूरा बोर्ड में ये नहीं है, अब एलेवेंथ के क्लास में नहीं है, सिर्फ एपी और जीपी है। तो जीपी का फॉर्मूला तुमको पता तो होगा नहीं, हम बताना चाहेंगे जीपी का फॉर्मूला यहाँ पे। देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जीपी का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन बटा वन माइनस आर। ये सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन बटा वन माइनस आर, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ जी पी, फर्स्ट टर्म ऑफ जी पी एंड आर इज कॉमन रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्ट में सी आर बोलते हैं, सी आर भालू कुत्ता नहीं, सी डॉट आर डॉट। क्या ये है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जी पी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जी पी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम नोट करना, अगर तुम जी पी नहीं पढ़े हो बाबू तो ये फॉर्मूला तुम नोट कर लेना। ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखना जी पी के लिए कैसा, कैसे जी पी पहचानते कैसे हैं, तो जी पी पहचाने का तरीका है उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जी पी अगर जो नहीं पढ़े बच्चे उनके लिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जी पी पहचाने कैसे। तो टी वन यानी कि फर्स्ट टर्म, टी टू, अब टी वन टी टू जो लिख रहे हैं ना वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि तुम ए पी पढ़े हो, तो ए पी पढ़े हो टेंथ में, तो तुम जानते हो कि टी वन टी टू टी थ्री डॉट 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 टी एन आर सेड टू बी इन ए पी, ए पी पढ़े हो इन ए पी, इफ टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू इज इक्वल टू टी फोर माइनस टी थ्री, ये पढ़े हो तो उसको हम लोग क्या बोलते थे कि वह ए पी में है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम हुआ करता था। क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटाइए, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटाइए। अगर ये डिफरेंस सेम है, दो टर्म का डिफरेंस, दो लगातार टर्म का डिफरेंस अगर सेम है तो कहते हैं कि वह सिक्वेंस
वह सीक्वेंस, वह प्रोग्रेशन एपी में है। और जीपी में कैसे पहचानते हैं, तो T1, T2, T3, T4, .. Tn-1, Tn आर सेड टू बी इन जीपी, आर सेड टू बी इन जीपी इफ T2/T1 इक्वल टू T3/T2 इक्वल टू T4/T3 इक्वल टू .. इज इक्वल टू Tn/Tn-1। और इसको बोलते हैं CR, कॉमन रेशियो, और R से रिप्रेजेंट करते हैं। याद करो वहाँ पे एपी में T2-T1, T3-T2 ऐसा इक्वल हुआ करता था, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते थे, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते थे एपी में और जीपी के लिए, ठीक है। R से टू बी जीपी। तो ये जीपी का तरीका है पहचानने का, बस ये हिंट दे दिए उन बच्चों के लिए जो जीपी नहीं पढ़े हैं, सिंपल इतना ही यूज है, पहचानने का तरीका ये हुआ। और फॉर्मूला आपका जो यूज होगा इस क्वेश्चन में वो ये है, ठीक। फर्स्ट टर्म पहचानते हैं T1 फर्स्ट टर्म, और नंबर ऑफ टर्म्स n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना होता है, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 अंतिम आते आते n टर्म्स हैं यहाँ पे। तो अब चलो यूज करेंगे हम इन दोनों बातों को देखते हुए क्वेश्चन सिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखो यह टर्म्स को कैसे लिखेंगे, 1+i² + i² का होल क्यूब 3×2=6 +i² का n। इसी टर्म्स को हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, देख लो यहाँ पे 1 बोल दो। अब बताओ ये जीपी में है कि नहीं, T1, T2, T3, T4, Tn ऐसा देखो तो ये जीपी में है कि नहीं। सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म i² / i क्या आएगा वैल्यू, i² बटा 1 क्या आएगा, i² आएगा। सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में क्या है i^4/i² यानी कि i² आ जाएगा। फिर i^6/i^4 वो भी i² आ जाएगा, मतलब कि कॉमन यहाँ पे i² जो है वह कॉमन रेशियो यानी कि r हो गया। तो यह जीपी में है, द गिवन टर्म्स इन जीपी, द गिवन टर्म्स, गिवन सीक्वेंस या सीरीज, यहाँ प्लस है ना सीरीज, गिवन सीरीज r इन जीपी, सीक्वेंस बोलते हैं कॉमा होता है तो, सीरीज बोलते हैं प्लस होता है तो, ये एपी में पढ़े हो क्लास टेंथ में। द गिवन सीरीज आर इन जीपी एंड देयरफॉर हुज फर्स्ट टर्म यानी कि a = 1, a कितना 1, और r कितना, कॉमन रेशियो कितना i² एंड कॉमन रेशियो i² एंड नंबर ऑफ टर्म्स, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब नंबर ऑफ टर्म्स n मत समझ लेना, क्यों, काउंट करके देख लो, देखोगे यहाँ से, देखना यहाँ काउंट करना 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जाते जाते कहाँ तक गया, n तक गया, है ना। यानी कि ध्यान दो बाबू, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुल n टर्म्स हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 n हुआ, और एक टर्म आगे है, तो कुल कितना टर्म हुआ, n+1 टर्म हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n+1। ध्यान रहे यहाँ Sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और यहाँ n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, r^n का मतलब n क्या है यहाँ पे, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन मेरा n इस क्वेश्चन में n+1 होगा। मेरा n+1 क्यों होगा, क्योंकि r^n में n क्या बताता है, r^n में n बताता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने मौजूद हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह n+1 है, क्योंकि आप देख ले हो यहाँ से लेके यहाँ तक n और एक एक्स्ट्रा टर्म आगे में है 1, तो ये कुल टर्म्स जो है यहाँ से यहाँ वह n+1 टर्म्स है। तो इसके बाद जो वैल्यू हो जाएगा वह देयरफॉर Sn यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n+1 टर्म्स इज इक्वल टू a माने 1 इंटू 1, a हो गया 1, a वैल्यू ना 1 इंटू, फिर 1 है अंदर में, माइनस r^n, r कितना i² और i² कितना n, यानी n माने नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है n+1, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट कर दें, कर्ली ब्रैकेट, तो a इंटू 1 - r^n, n के जगह पे यहाँ पे n+1, क्योंकि इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स है n+1 1 - r, r कितना है i², दैट्स इट। अब सिंप्लीफाई तो तुम करना जानते हो, सिंप्लीफाई कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन में क्या था, इज जीरो भी है, और हाँ क्वेश्चन ये है कि साबित करना है कि इस जो सीरीज है उसका सम
जीरो होगा कब, जब एन ऑड है, और वन होगा इसका वैल्यू कब, जब एन इवन है। देखते हैं आगे क्या होता है। इज इक्वल टू वन इंटू, तो वन खत्म कीजिए, अंदर में क्या बचा सिर्फ वन माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन। क्या होता है वैल्यू, माइनस वन पे पावर एन प्लस वन बटा वन माइनस, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस वन। ठीक है, यह क्या होगा आपका वन माइनस, अब यहाँ देखिए माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन पे पावर एन इंटू माइनस वन पे पावर वन, एन प्लस वन है, एन प्लस वन है, इसको दो पार्ट में बांट दिए, डिवाइड बाई वन, और माइनस इंटू माइनस प्लस वन इज इक्वल टू वन माइनस माइनस वन पे पावर एन, और माइनस वन पे पावर वन का मतलब माइनस वन। फाइनली क्या हो गया ये माइनस वन, देखोगे माइनस वन बटा टू इज इक्वल टू वन माइनस इंटू माइनस प्लस वन प्लस माइनस वन पे पावर एन बटा टू, यह वैल्यू आया अभी तक। ठीक है, सॉरी ये वैल्यू आया वन प्लस माइनस वन टू द पावर एन बाई टू, और इसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि एन का पता नहीं है, बट क्वेश्चन में दिया था कि साबित करना है कि सीरीज का वैल्यू जीरो होगा कब, जब एन ऑड है तब, और इसी का वैल्यू वन होगा कब, जब एन इवेन है। तो इसके बाद देखते हैं इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू इसके बाद का टर्म इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे वन प्लस माइनस वन पे पावर एन बाई टू, जब सोचो कि एन पहले ऑड है ना, एन अगर ऑड है तो क्या होगा, इज इक्वल देखना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, वन प्लस, अच्छा बताओ अगर एन ऑड है यानी कि एन अगर वन होगा तो माइनस वन पे पावर वन क्या होगा माइनस वन, एन अगर ऑड थ्री है तो माइनस वन पे पावर थ्री क्या होगा माइनस वन, अगर एन पाँच है तो माइनस वन पर पावर पाँच माइनस वन, मतलब पता ही है तुमको कि एन वन हो थ्री हो फाइव हो सेवन हो कोई भी ऑड नंबर हो पावर निगेटिव को निगेटिव ही छोड़ देगा, माइनस वन पे पावर वन हो या माइनस वन पे पावर थ्री हो फाइव हो सेवन हो माइनस वन वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे वन माइनस वन बटा टू कब, जब वेन एन इज ऑड, एन इज ऑड, लेकिन यही वैल्यू वन प्लस माइनस वन जो है वन प्लस यहाँ बाई टू है, देखिएगा यहाँ पे अगर माइनस वन पे पावर इवन नंबर हो, एन क्या हो इवन नंबर लाइक टू, टू इवन नंबर है तो माइनस वन पे पावर टू, ठीक है तो माइनस वन पे पावर टू क्या होगा प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन पे पावर फोर प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन पे पावर सिक्स प्लस वन हो जाएगा, यानी एन अगर इवन है तो माइनस वन पे पावर एन इवन यानी कि प्लस वन, यानी कि ऊपर में प्लस वन हो जाएगा, ये कब जब वेन एन इज इवन इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू क्या हो जाएगा जीरो, वन माइनस वन बाई टू जीरो बाई टू जीरो, और वन प्लस वन बाई टू टू बाई टू यानी कि वन, वन प्लस वन टू टू बाई टू वन हो जाएगा। तो ये कब हुआ वेन एन इज ऑड, और वन कब हो गया वेन एन इज इवन, दैट्स इट सॉल्व हो गया यार। देखिए यहाँ पे वेन एन इज ऑड ये इसका वैल्यू जीरो होगा कब जब एन ऑड है, तो देखिए यहाँ पे ये सीरीज का वैल्यू जीरो कब जब एन ऑड है, और इसी सीरीज का वैल्यू वन होगा कब जब वेन एन इज इवन, जब एन इज इवन तो इसका वैल्यू वन है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बोर्ड अब क्लीन हो चुका है, और पूरे क्लीन करने के बाद अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। दो क्वेश्चन किए हैं आज की क्लास में भी तक हम लोग, चार क्वेश्चन लास्ट वीडियो में, पूरा जो चैप्टर था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन शुरू किए लास्ट क्लास में ही हैं। तो लेक्चर वन अपलोड हो चुका है पहले ही, और उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर हेडिंग देने के बाद में नीचे शुरू किए इमेजिनरी नंबर, फिर सीखे रूट आई, रूट माइनस वन इक्वल टू आई सीखे, पावर सीखे जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है आई पे पावर एन, अगर एन चार से बड़ा है तो ऐसे करते हैं एक्सप्रेस, और चार क्वेश्चन किए, ये सब लेक्चर वन में हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लेक्चर वन का वीडियो देख लें, ये वीडियो जो आज बन रहा है अपलोड होगा तो लेक्चर टू लिखा होगा इस पर, लेक्चर टू लिखा होगा इस पर, ठीक है, यानी कि लेक्चर वन हो चुका है, दो क्वेश्चन कर लिए पाँच और छः, और आगे का क्वेश्चन करने के पहले जोर का झटका धीरे से लगेगा, देखना तुम सीख चुके हो बच्चे आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। देखो यहाँ पे आई स्क्वायर इक्वल टू क्या माइनस वन सीख चुके हो, तो जरा देखो एक बात, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या माइनस वन इक्वल टू आई स्क्वायर, हाँ आई स्क्वायर अगर माइनस वन है तो माइनस वन को लिख सकते हो आई स्क्वायर, डाउट नहीं है ना, दैट इज इक्वल टू आई इंटू आई लिख सकते हैं, ऑफकोर्स आई स्क्वायर है तो पता ही है तुमको कि एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो एक्स इंटू एक्स,
तो आई स्क्वायर को लिख सकते हो आई इंटू आई, दैट इज इक्वल टू आई का वैल्यू क्या, आई का वैल्यू क्या, आई का वैल्यू रूट माइनस वन, रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन, कोई शक नहीं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू अंडर रूट माइनस इंटू माइनस प्लस वन, माइनस इंटू माइनस प्लस और वन वन जा वन, तो क्या हो गया आपका प्लस वन, यानी कि रूट वन, और रूट वन का वैल्यू वन। जरा ध्यान दो, माइनस वन इज इक्वल टू वन, जोर का झटका धीरे से लगा कि नहीं, माइनस वन इक्वल टू वन। अगर तुमको हम आई का आई के बारे में सिखा चुके हैं कि आई इज इक्वल टू होता है रूट माइनस वन, तो इसका मतलब कि पूरा मैथमेटिक्स गलत हो जाएगा ना। फिर देख लो यहाँ पे क्या हो चुका, माइनस वन इक्वल टू वन हो चुका, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। माइनस वन कभी भी वन के इक्वल नहीं हो सकता, यह एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर ये क्या हुआ, फिर ये कैसे हुआ, ये माइनस वन वन के बराबर कैसे आया, कहीं ना कहीं कुछ बातें तो होंगी ही, इसलिए कि ऐसा कोलाइड ना कर जाए, यह कोलाइड ना कर जाए, आई का वैल्यू रूट रूट माइनस वन करने के बाद ये ऐसा कोलाइड ना कर जाए, इसके लिए हमारे विद्वानों ने क्या बोला तुम्हें कि तुम जो यहाँ पे जो प्रोसीड किए हो ये प्रोसीड मिस्टेक है। यानी कि उन्होंने कहा कि ये वाला चीज़ को ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा, लास्ट क्लास में हम बोले थे कि अगले क्लास में हम सिखाएंगे तुमको कि जो तुम करते हो हर जगह ये रूट ए इंटू रूट बी, और आंख बंद करके लिख दिया करते थे बचपन से ही रूट ए इंटू बी, यह वाला बात सही नहीं है हर जगह पे। एक वर्ड यूज किया क्या हम, हर जगह पे, हर जगह पे सही नहीं है, मतलब कि अभी तक तुम जानते अगर नहीं थे तो क्यों, इसलिए तो तुम सिर्फ रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी लिखे, और तुम्हारे क्लास में तुम्हारे टीचर्स थी तुम्हारे 8, 9, 10th में यही बता दिए, और वो जरूरी था, उनका बताना गलत नहीं था, क्योंकि वहाँ तक तुमको इसका जरूरत था ही नहीं, इसलिए रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए इंटू बी बता दिया गया और तुम यूज करते आ रहे हो। बट अब तुम क्लास 11th पे हो और तुम ऐसा यूज नहीं कर सकते बिना ध्यान दिए हुए। लेकिन तुम कहोगे कि लास्ट क्लास में तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन को यानी कि रूट माइनस 4 को लिखते आए थे 4 इंटू माइनस 1 और ब्रेक करते थे रूट 4 इंटू रूट माइनस 1, ब्रेक करते थे इसको हम लोग रूट 4 इंटू रूट माइनस 1 और इक्वल टू 2, और इसको आई बोलते थे 2i या फिर i इंटू 2 बोल सकते हैं, हाँ यहाँ पे करते थे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या वो बता रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम यूज करते हो फॉर एनी रियल नंबर्स, फॉर एनी रियल नंबर्स ए एंड बी, ए एंड बी रूट ए इंटू रूट बी इज रूट ए बी इज ट्रू ओनली वेन, केवल तब ओनली वेन एटलीस्ट आउट ऑफ दिज नंबर्स वन इज one is either positive or zero, either positive or zero। मतलब क्या, यह एक खास महत्वपूर्ण नियम है कि for any real number a real numbers a and b, for any real numbers a and b root a into root b equal to root a b, जो लिखा करते हो वहाँ पे कंडीशन अप्लाइड हो गया रहा है। अब आज के बाद क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद तुम्हारे लिए अब कंडीशन अप्लाई हो गया इस फॉर्मूला के साथ कि इट दिस फॉर्मूला इज ट्रू ओनली व्हेन एटलीस्ट आउट ऑफ दिस टू नंबर्स, दिज नंबर्स वन इज इन दो नंबर में से यानी कि ए और बी में से एटलीस्ट कम से कम एक या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो, ये कंडीशन है। तो आज तक जितना क्वेश्चन तुमको मिला है बचपन से लेकर अभी तक, उसमें एक कंडीशन हमेशा हुआ करता था, अमूमन तुम्हारा ए और बी हर वक्त पॉजिटिव हुआ करता था, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू, रूट के अंदर ए और रूट के अंदर बी हमेशा तुमको पॉजिटिव मिला है, इसलिए बाय कोइंसिडेंट तुम्हारा हर एक क्वेश्चन सही हो गया था बिना ये फॉर्मूला जाने हुए भी, क्योंकि रूट के अंदर का जो वैल्यू है हमेशा तुमको पॉजिटिव मिला था। और पिछले क्लास में जब कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किए थे तो निगेटिव मिलना शुरू हुआ, पिछले क्लास में जब कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर शुरू किए और इमेजिनरी नंबर पढ़ाना शुरू किए हम, तो तुम्हारे लाइफ में ए और बी जो है वो अंदर में निगेटिव होना शुरू हुआ। लेकिन ध्यान दो एक बात, क्या तुम गौर किए थे कि ए और बी में एक चार जो है वो पॉजिटिव था ही, जब रूट माइनस टू लिखते थे और तुम चुपचाप ऐसे टू इंटू माइनस वन लिख के और ब्रेक करते थे तो वो कोइंसिडेंटली
दो और एक, एक मान लीजिए ए है टू और बी है माइनस वन, इसमें दो पॉजिटिव था ही, इसमें चार पॉजिटिव था ही, यानी कि दोनों नंबर नेगेटिव नहीं था, रूट माइनस फोर रूट माइनस वन नहीं था, एक पॉजिटिव था ही। तो बात क्या हुआ कि टेन तक तो रूट के अंदर ए और बी जो है वह तो पॉजिटिव ही था हमेशा, नेगेटिव था ही नहीं, कभी कभी जीरो भी हुआ करता था ए और बी। तो वहाँ बोलते थे रूट्स आर इक्वल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स आर इक्वल बोलते थे, यानी कि रूट के अंदर जो भी तुम वैल्यू पर हो या तो पॉजिटिव पर हो या समटाइम जीरो पर हो, नेगेटिव पर ही नहीं थे। नेगेटिव शुरू कब हुआ? एलेवेंथ में। कल कब शुरू हुआ? तो कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट क्लास में। लेकिन फर्स्ट क्लास में जब शुरू हुआ तो उसमें रूट माइनस फोर रूट माइनस टू रूट माइनस थ्री ऐसा मिला भी, तो जब ब्रेक करते थे तो उसमें से एक तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव था ही और माइनस वन दूसरा नेगेटिव था। और रूल यही है कि आइदर आउट ऑफ दिस नंबर्स वन इज आइदर पॉजिटिव और जीरो, या तो एक पॉजिटिव हो या जीरो हो। जैसे ही अगर पहला मान लीजिए चार के बजाय जीरो होता तो पूरा टर्म जीरो, वैल्यू आउटपुट जीरो आता, सही हो जाता। और यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव है तब भी सही हो जाएगा। तो क्या सीखे इससे कि अगर कोई तुमसे ऐसा बोलता है रूट माइनस टू इंटू रूट माइनस थ्री इंटू करो, तो अगर तुम ऐसे कर दिए रूट टू रूट माइनस टू इंटू माइनस थ्री कर दिए ऐसे, तो टू माइनस इंटू माइनस प्लस सिक्स इज रॉन्ग। क्या हो जाएगा? इज रॉन्ग, माइंड इट, इज रॉन्ग। रूट टू रूट माइनस टू इंटू रूट माइनस थ्री अगर तुम ऐसे करते हो तो क्या रॉन्ग? इनफैक्ट, इनफैक्ट होना क्या चाहिए? तो रूट माइनस टू इंटू रूट माइनस थ्री आज के बाद बच्चे लिखोगे ऐसे, रूट टू आई इंटू रूट थ्री आई। रूट टू आई जो निगेटिव है वो पता है तुमको ना? हम एक मिनट मार्कर चेंज कर रहे हैं, मार्कर यहाँ पे जो है ये ठीक नहीं चल रहा है, बदल देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रूट माइनस टू इंटू रूट माइनस थ्री, और तुम जानते हो बच्चे कि रूट माइनस टू को लिख देते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे रूट टू और ये क्या आई, देखिए यहाँ पे, क्योंकि रूट माइनस टू को रूट टू इंटू माइनस वन, तो रूट टू इंटू रूट माइनस वन, रूट टू के लिए रूट टू, रूट जब बोलते हैं मतलब स्क्वायर रूट टू, और रूट माइनस वन के लिए आई, रूट टू आई। उस प्रकार से स्क्वायर रूट माइनस थ्री के लिए स्क्वायर रूट थ्री आई होगा। अब रूट टू इंटू रूट थ्री एक जगह ऐसे इंटू कीजिए और इंटू आई क्या बना? आई स्क्वायर। रूट टू इंटू रूट थ्री को अब तुम चूंकि दोनों ही पॉजिटिव है, और नियम यह है कि कम से कम वेन एटलीस्ट आउट ऑफ दिस टू नंबर्स एटलीस्ट वन ऑफ वन इज आइदर पॉजिटिव और जीरो, यानी कि दो में से कम एक नंबर जो है वो पॉजिटिव होना ही चाहिए और नेगेटिव, कम से कम एक नंबर पॉजिटिव होना ही चाहिए या जीरो होना चाहिए, नेगेटिव नहीं जीरो, कम से कम इन दो नंबर ए और बी में से कम एक नंबर चाहे तो ए चाहे तो बी पॉजिटिव होना ही चाहिए या जीरो होना चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो ओके है, अगर दोनों जीरो होगा तो दोनों मतलब ए और बी, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव होगा तो ओके करते हैं। रूट टू इंटू रूट थ्री दोनों पॉजिटिव है तो ठीक है, रूट सिक्स ओके सही है, अगर दोनों जीरो हुआ तो ओके है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव हुआ तो ओके, दोनों जीरो हुआ तो ओके, अगर एक पॉजिटिव हुआ तब भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। बोला है कि कम से कम एक ऐसा पॉजिटिव होना ही चाहिए या एक जीरो होना ही चाहिए, कम से कम एक पॉजिटिव होना ही चाहिए। यानी कि अगर कोई तुमसे बोले कि एक रूट टू है और एक आपका रूट माइनस थ्री है, तब भी तुम लिख सकते हो टू इंटू माइनस थ्री और आपका रूट माइनस सिक्स लिख सकते हो, या कि रूट सिक्स आई बन जाएगा, ये भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। कब? क्योंकि यहाँ क्यों लिख सकते हो? क्योंकि इसमें टू और माइनस थ्री जो कि ए और बी के प्लेस पे है क्रमशः, इसमें से टू क्या है? टू है पॉजिटिव। तो दो और माइनस तीन, ए हो गया टू और बी हो गया माइनस थ्री, दोनों में से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। तो दो पॉजिटिव है, तुम ये नियम लगा सकते हो। कब नहीं लगाओगे नियम? ये कब नहीं लगाओगे? जब दोनों नेगेटिव हो जाए तब, जब दोनों नंबर ए और बी नेगेटिव हो तब तुम ये यूज नहीं कर सकते। इसलिए रूल ये है कि रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी ओनली यू कैन यूज या इज ट्रू ओनली वेन आउट ऑफ दिस टू नंबर्स एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव और जीरो। आउट ऑफ दिस टू नंबर्स एटलीस्ट, चाहो तो एटलीस्ट को तुम यहां लगा सकते हो, आउट ऑफ दिस टू नंबर्स को पहले बोल दो, एटलीस्ट को बाद में बोल दो, वन इज आइदर पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। तो ये रूट माइनस टू इंटू रूट माइनस थ्री को अगर रूट सिक्स बोलते हो तो रॉन्ग होता है। इनफैक्ट वास्तव में होना क्या चाहिए? ऐसे होना चाहिए। अब रूट टू इंटू रूट थ्री तो आपस में इंटू होगा ही, और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन इज इक्वल टू रूट सिक्स, और यहाँ पे क्या माइनस वन यानी कि माइनस रूट सिक्स, यही लिख दे रहे हैं
माइनस रूट सिक्स, ठीक है, टू रूट टू इंटू थ्री सिक्स और यहाँ पे माइनस वन, ठीक है, माइनस रूट सिक्स। तो क्या हो गया कि इन ये तो रॉन्ग है ऊपर वाला, ये राइट है, इज राइट, इज ये आपका राइट है, ठीक है ना, ये करेक्ट, इज करेक्ट, इज करेक्ट, दैट्स इट। ये हम तुमको सिखाएं, जरा इसको नोट करोगे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट, और नोट करने के बाद हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन पे, पॉज कीजिए। और अब बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीन क्वेश्चन देख रहे हो तुम, जिसमें 7 का सॉल्यूशन भी कर दिया गया है, जानबूझ के कर दिया गया है, क्योंकि 7 को बताने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। क्वेश्चन 7 जो अभी हम समझा रहे थे उसी पे क्वेश्चन 7 है, और एक्सप्लेन द फैलेसी माइनस वन इज इक्वल टू आई इंटू आई दैट इज इक्वल टू रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन इंटू वन बराबर रूट वन इक्वल टू वन। ये फॉल्स बातें, ये फॉल्स स्टेटमेंट कैसे हो गया, इसी के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, समझ तो तुम गए ही हो, समझा दिया ही है, क्या लिखोगे अगर रिटर्न में लिखना है कहीं एग्जाम में कहीं पे भी स्कूल में कॉलेज में, तो क्या लिखोगे, वी नो दैट फॉर एनी रियल नंबर्स ए एंड बी अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी इज ट्रू ओनली व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज आइदर जीरो और पॉजिटिव। ये फॉर्मूला तभी जो आप यहाँ रूट ए इंटू रूट बी जो अंदर में रूट ए इंटू बी कर दिए हैं, ये सिर्फ तभी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी अप्लीकेबल है जब इस ए जो रूट के अंदर है और बी जो रूट के अंदर है, इन दोनों से कम एक या तो पॉजिटिव हो, यानी कि कम से कम एक का मतलब क्या, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तब भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि कम से कम एक पॉजिटिव हो या जीरो हो। तो इन ये तो दोनों का दोनों निगेटिव है, इसमें एक भी पॉजिटिव नहीं है, तो दोनों निगेटिव होगा, तो हम ये यूज फॉर्मूला तब, यानी कि तुमको याद रखना है तो बस ये याद रखो कि रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी मत करना अगर दोनों निगेटिव हो। तो कैसे करोगे, वो सिखाए थे अभी हम, आई के फॉर्म में कन्वर्ट करके करोगे। तो यहाँ पे लिखा है कि आइदर जीरो और पॉजिटिव ए और बी में से कोई एक हो, तब देयर फोर रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन, चूंकि ए और बी रूट के अंदर दोनों है निगेटिव है, इज नॉट इक्वल टू रूट ए इंटू बी, दैट्स इट, समझ गए होगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या होगा, इवेलुएट करना है वन को। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिख दें माइनस 25 इंटू माइनस 49 लिख दें अगर हम इसको, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों इसमें क्या है, नेगेटिव है, ये गलत हो जाएगा। फिर क्या होगा सही, सही तो ये है कि आप इसको पहले i के फॉर्म में रूट 25 को लिख सकते हैं आप 5i, क्योंकि रूट, क्योंकि यहाँ देखिएगा माइनस 25 को लिखते हो ना आप इंटू 25 इंटू माइनस 1, यानी कि रूट 25 इंटू रूट माइनस 1, 25 का रूट होता है 5 और रूट माइनस 1 को बोलते हैं i, 5i, और यहाँ पे अंडर रूट माइनस 49 को बोलोगे 7i। अब 5 × 7 इंटू कर लो और आई स्क्वायर, तो 7×5 35 और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 तो -35। अब यहाँ पे कर सकते हो रूट, यहाँ पे चूंकि एक पॉजिटिव है तो इंटू ऐसे कर सकते हो, पर देखो ना इंटू करने के बाद फिर रूट निकालो, ये थोड़ा सा बड़ा काम है ना, ये कर सकते हो, सही है ये, लेकिन अब ऐसे इंटू क्यों करें जब हमको 36 का रूट पता है, तो ये होगा 6i, चूँकि निगेटिव ही अंदर में तो i तो रहेगा ही, 6i इंटू रूट 16 का 4, अब 6×4 = 24i आंसर हो गया, ठीक है। अब बचा क्वेश्चन नंबर 9, वो 9 देखेगा, 9 तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके बना लो और तब मेरा से मैच कर लो, तुम्हारा टाइम बचेगा और फिर इतना दूर 2-3, 10 सेकेंड 20 सेकेंड एक मिनट स्किप कर दो। ये हो गया क्या आपका 4i, 16 का रूट 4 और रूट माइनस 1 के लिए आई प्लस 3 और 25 के लिए 5i, आई तो रहेगा ही, और 36 के लिए 6i, 36 और माइनस भी है अंदर में उसके लिए आई माइनस 625 किसका स्क्वायर है, 25 का है, तो 25i हो गया, और सिंप्लीफाई कर लीजिए 4i प्लस 6i कितना आई हो गया, ये 6×4 = 10i प्लस 5×3 = 15i माइनस 25i, 15×10 = 25i माइनस 25i इक्वल टू 0। पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, पॉज। और अब बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 है मेंशन, हम लोग इसको करेंगे अभी, देखोगे बाबू कैसे करना है, बहुत कुछ तुम सीख चुके हो,
और ये मार्कर फिर से लगता है कि ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 10 अभी पहले करेंगे और देखिए 10 ये तो और ख़राब मार्कर। प्रूव दैट 1 - i होल टू द पावर n 1 - 1/i होल टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर n, ठीक है ना। अब देखो तुम ना ये जो बेसिक फॉर्मूला ये जो याद किए हो इसमें एक और चीज़ तुम चाहो तो ऐड कर सकते हो, वो ये हम लोग बात किए थे कि 1/i को एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/i ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, i इंटू 1i और i इंटू i स्क्वायर i बटा i स्क्वायर का वैल्यू -1 i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो आपका फाइनली क्या हो गया -i। तो हम ये कह रहे हैं कि 1/i क्या बन जाता है -i और i क्यूब भी बन जाता है -i और 1/i भी बन जाता है -i, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हो तुम लोग ना, iq भी बन जाता है -i, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करें, इसको कैसे देखोगे, दैट इज इक्वल टू 1 - i होल पावर n 1 - 1/i क्या बन जाता है -i 1/i क्या बन जाता है -i। तो 1/i अगर बनेगा -i, अब जरूरी नहीं कि तुम डायरेक्टली लिखो, तुम देखो चाहो तो ऐसे कर सकते हो 1/i यहीं पे इंटू आई कर लिए, कर सकते हैं पावर n डायरेक्टली थे तो एक बन जाता, नहीं चाहते हो तो ऐसे लिखो 1 - i होल पावर n 1 - ऊपर में i रहा नीचे y² - 1 तो +i, ठीक है ना, समझ गया ना। 1/i को डायरेक्टली लिखते -i तो -(-+i) बन जाता, लेकिन हम यहाँ बोले कि i लिख लो i² कर लो, i लिख दो ऊपर में, अब कोई चाहे तो ऐसे लिख सकता है तो i लिखे ऊपर में नीचे में i * i² यानी कि -1, अब एक स्टेप और बढ़ जाएगा फालतू का, अब ठीक है ऐसे। दैट इज इक्वल टू क्या, अब देखोगे तुम पढ़ चुके हो एक्सपेरिमेंट एंड लॉ में क्लास 7th-8th में कि अगर a टू द पावर m हो और इंटू b टू द पावर भी m हो तो a इंटू b होल टू द पावर m कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 - i इंटू कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे 1 - i यहाँ पे, हाँ यहाँ गड़बड़, हेलो तुम शायद नोटिस किए होगे, देखे यहाँ पे क्या हुआ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तुम नोटिस किए होगे यहाँ पे 1 - i नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे यहाँ माइनस था फिर से 1/i था, i किए ऊपर में इंटू तो ऊपर में तो यहाँ पे जो माइनस है बट यहाँ पे क्या लिखा गया था प्लस, गलती से क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा, i 1 जाए रहा ऊपर में i और i को i से इंटू किए तो i हो गया i² - 1 तो अब -(-) यहाँ पे आपका -(-) यहाँ पे प्लस, ये गलती हो गया था, ठीक है। और यहाँ देखो अब बाकी सब कुछ सही है, a पे पावर m इंटू बी पे पावर m a गुना बी पे पावर m, तो ये 1 - i को a मानो और 1 + i को b मानो, तो ये 1 - i इंटू 1 + i होल टू द पावर m। अब a माइनस बी यह भी पढ़े हो तुम बचपन में कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू a² - b² तो ये बनेगा आपका a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या बनेगा a² 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -b² और होल टू द पावर m जिंदा है अभी भी, यहाँ पे m नहीं था, क्या था यहाँ पे n था, पता नहीं क्या हो गया है अब चूँकि अब ख़त्म करना है ना क्लास को आज, तो ये फिर यहाँ पे m करते करते यहाँ पे हम m लिख दिए थे, ध्यान दो फिर से बोल दे क्या सब उतार दिए ये फिर यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ रहा, सब पे पावर n ही है अभी, और इन दोनों को एक्सेप्ट किए तो पावर जो है पूरे पे आ गया n, यहाँ पे बाय मिस्टेक m लिखा गया था, दो गलती हुआ है कि क्वेश्चन में मेरे से, अभी ये हो जाता है कभी कभी, रात का टाइम है 4:45 बज रहा है, भूत उत घूम रहा है अभी, 1 - i 1 + i दशहरा का भी टाइम है, काजल भी नहीं लगाए पैर में बचपन में माला लगाती थी ना, तुम लोग की माला लगाती हो पैर में काजल दशहरा के टाइम में भूत उत से बचाने के लिए, वैसे भूत होता होता नहीं है शायद, होता भी होगा तो पता नहीं, दिखता नहीं है मेरे को। अब यहाँ देखोगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी a² - b² पावर n है, अब ये 1 - i² का वैल्यू क्या होता है, i² का वैल्यू क्या होता है -1, क्या होता है -1, देखिए और पावर में क्या अभी भी n है, पावर में हर जगह n है और यहाँ पे आपका हो जाएगा -1 और ऊपर में पावर अभी भी n है, तो ये हो गया आपका 1 - (-+1) पावर n
यानी कि 2n, और n है हमारा नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर। तो 10 नंबर बन गया 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देख के तुमको क्या लगता है, यह क्वेश्चन तुम बना लोगे क्या? तुम ये जो सिंबल है यहाँ पे, इस सिंबल को पहचानते हो? सिग्मा कहते हैं, सिग्मा। क्या कहते हैं सिंबल को? सिंबल को कहते हैं सिग्मा। ऐसे लिखते हैं फास्ट में हम लोग, प्रिंटेड ऐसे, साफ साफ प्रिंटेड ऐसे लिखा रहेगा, है ना, ऐसे करके ये सिग्मा पढ़ते इसको, देखो ये ऐसे रहेगा प्रिंटेड। और फास्ट लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं हम लोग। और सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेसन। क्या मतलब होता है इसका? समेसन ऑफ द सीरीज, यानी कि सीरीज के समेसन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। मीन, मीडियन, मोड, क्लास नाइन्थ में या फिर टेंथ में पढ़े होगे तुम लोग समेसन, याद करो। वहाँ पे नाइन्थ में था कुछ मीन निकाला था, मीन एक्स बार निकालते थे, एक्स बार याद है ना कुछ, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, और सिग्मा लिखते थे ये मतलब शॉर्ट में। एक्चुअली होता क्या है, सिग्मा के नीचे आई इक्वल टू वन टू एन हुआ करता था, यहाँ भी आई इक्वल टू वन और ऊपर में एन हुआ करता था। ये फॉर्मूला एक्स बार का मतलब मीन, एक डेटा दिया गया था उसमें मीन निकालना था, एक्स बार सिग्मा, एक्स बार मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई ऊपर में एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। बच्चे अगर कोई लिखता है सिग्मा एफ आई, उसका मतलब क्या समझते हो? सिग्मा एफ आई को लिखता है और बोल दे आई इक्वल टू वन, अब ऊपर में एन के जगह पर लिख दे पाँच, यानी आई इक्वल टू वन टू पाँच का मतलब होता था, देखो आई को वन से शुरू करोगे एफ वन, फिर टू पे जाओगे, फिर लगातार जाओगे और कहाँ तक जाओगे? ऊपर में जहाँ तक लिखा हुआ है। तो ये मीनिंग हुआ करता था सिग्मा आई इक्वल टू वन टू फाइव का मतलब, ये मीनिंग हुआ करता था। फ्रीक्वेंसी था वो मीन में, क्लास नाइन्थ में फ्रीक्वेंसी याद आ रहा है ना, स्टैटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में मीन निकालना था, उसमें नीचे जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे सिग्मा एफ आई आई इक्वल टू वन टू एन, तो एफ आई क्या था? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तुमको हम बस याद आ रहे थे यहाँ पे सिग्मा के बारे में। यहाँ क्वेश्चन 11 करेंगे हम लोग, यहाँ पे सिग्मा ही है, सिग्मा एन इक्वल टू वन टू 13, यहाँ पे आई के बदले में एन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पहले लिख दे हम लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सिग्मा एन इक्वल टू वन टू 13 आई पे पावर एन प्लस आई पे पावर एन प्लस 1, इसको इवेलुएट कीजिए। क्या करेंगे हम पहले देखो, यहाँ पे काम करते हैं, आई पे पावर एन प्लस आई पे पावर एन इंटू आई लिख सकते हैं क्या इसको बच्चे? आई और यहाँ पे एन इक्वल टू वन टू 13, ठीक है, आई टू द पावर एन प्लस आई टू द पावर एन इंटू आई लिख सकते हैं ना, एन प्लस वन को ब्रेक करके, एन प्लस वन को ब्रेक करके आई पे पावर एन इंटू आई लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू सिग्मा, रहने दो यहाँ पे एन इक्वल टू वन, ऊपर में 13 भी रहेगा। अब ये दो टर्म हो गया, यू नो दैट ओनली प्लस और माइनस साइन कैन सेपरेट द टर्म्स, ये ब्रैकेट के अंदर यू हैव टू टर्म्स आई टू द पावर एन फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म इज आई टू द पावर एन इंटू आई, इन दो टर्म में आई टू द पावर एन दोनों में ही है, कॉमन है, बाहर निकाल देंगे तो नीचे अंदर में क्या बचा? वन प्लस, और सेकेंड टर्म में से आई टू द पावर एन कॉमन हुआ तो सिर्फ बचा आई, ये क्वेश्चन हुआ। तो इसके बाद क्या होगा कि एन इक्वल टू वन टू 13 है, मतलब आई फ्री है, वन प्लस आई फ्री है, तो वन प्लस आई फ्री है तो वन प्लस आई को बाहर कर दिए, और क्वेश्चन बचा क्या? सिग्मा आई पे पावर एन, एन आई पे पावर एन फ्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे आई का पावर एन है और एन के साथ छेड़छाड़ करना है अभी, तो एन के साथ छेड़छाड़ करना भी, तो क्योंकि एन इक्वल टू वन टू 13 है, इसलिए आई पे पावर एन वाला टर्म बाहर इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे पावर था आई पर एन और एन के साथ छेड़छाड़ करना भी, तो क्योंकि 1 टू 13 करना है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आई, और सिग्मा है यहाँ पे। अब सिग्मा को कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ देखो सिग्मा को कैसे करते हैं एक्सप्लेन, तो यहाँ पे आई पे पावर एन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आई पे पावर 1, 1 से शुरू करना है, एन इक्वल टू 1 से शुरू करना है, फिर मतलब हो गया आई पे पावर 2 यानी आई स्क्वायर, फिर मीनिंग हो गया आई पे पावर 3 यानी आई क्यूब, फिर मीनिंग हो गया आई पे पावर 4 और आई पे पावर 5, और ये जाएगा कहाँ तक? आई पे पावर 13 तक। देखो बच्चे हो गया ये जो क्वेश्चन में सिग्मा था मेंशन, वो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है बस हम लोगों को, तो बच्चे क्या होगा आगे, 1 प्लस आई तो है वो रहेगा ही, इनटू इसका क्या करें, आई टू द पावर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, यह जीपी में है, यह सीरीज किस में है? जीपी में है। आज क्वेश्चन किए हम लोग आज के ही लेक्चर में, लेक्चर 2 जो अभी अपलोड हो रहा है होगा,
अपलोड आज, वो है लेक्चर टू में ही, आज के ही क्लास में, आज के ही वीडियो में, आज के ही सेशन में हम लोग ये इसको जीपी के रूप में अभी सॉल्व किए हैं। जीपी का फॉर्मूला क्या था, कहाँ पे लिख दें हम, जीपी का फॉर्मूला क्या था अभी हम लोग पढ़े थे बच्चे, जीपी का फॉर्मूला देखो यहाँ फिर से लिख देंगे हम, तुम चाहो तो बैग में जाकर देख सकते हो या तुम कॉपी पे नोट ही कर रहे होगे ना, पढ़ रहे हो तो हवा में तो पढ़ नहीं रहे हो, कॉपी पे नोट कर रहे हो, लिखा होगा वहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, नॉट एपी, जीपी जीपी, जी फॉर जियोमेट्रिक, पी फॉर प्रोग्रेशन, तो एसएन इक्वल टू एसएन सम ऑफ एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन बटा वन माइनस आर। अब बार बार नहीं लिखेंगे कि आर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, एन इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्म्स, एस एन इज कॉल्ड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, ये नहीं लिखेंगे। और ये अभी नहीं लिखेंगे अब कि टी टू बटा टी वन इज इक्वल टू टी थ्री बटा टी टू इज इक्वल टू टी फोर बटा टी थ्री इज इक्वल टू आर, मतलब कि कॉमन कि कैसे पहचानेंगे जीपी में है तरीका मालूम, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, देखो एपी में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एपी में दो टर्म के बीच के डिफरेंस, दो टर्म्स के बीच दो लगातार कंजक्यूटिव, दो कंजक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल के चेक करते थे, अगर सब डिफरेंस बराबर हुआ इसका मतलब उसे कहते थे कॉमन डिफरेंस, और डी से स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते थे एपी में बोलते थे। जीपी का क्या तरीका, अगर जीपी पढ़ लिए हो तो समझ रहे होगे, नहीं पढ़े हो तो इतना काफ़ी है जानना कि दो लगातार टर्म का रेशियो मतलब टी टू बटा टी वन, टी थ्री बटा टी टू, ये दो लगातार टर्म का जो रेशियो है वह रेशियो अगर इक्वल होगा तो हम लोग कहते हैं कि यह सीरीज जीपी में है या सीक्वेंस जीपी में है। और अगर जीपी में है और सीक्वेंस और उसका सम दिया निकालना है तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन बटा वन माइनस आर, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो एंड एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, ऑल्सो एस एन इज कॉल्ड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द जीपी। ओके, तो यहाँ पे बताओ मेरे को यह जो टर्म्स जीपी में है कि नहीं, पता कैसे चलेगा, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म करके देखो, आई स्क्वायर बटा आई आई आएगा, आई क्यू बटा आई स्क्वायर आई आएगा, आई टू द पावर फोर बटा आई क्यू क्या आएगा, आई आएगा, मतलब कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग दे रहे हो, किसी भी लगातार टर्म से भाग दे रहे हो तो आई आ रहा है, मतलब कॉमन रेशियो आई है, आर बराबर आई है, और फर्स्ट टर्म भी आई है, ध्यान दो यहाँ पे कॉमन रेशियो भी आई है और फर्स्ट टर्म भी आई है, फर्स्ट टर्म ये देख के पता चल जाता है यहाँ फर्स्ट टर्म आई पे पावर वन है, आई पे पावर वन है फर्स्ट टर्म, यानी कि आई, आई टू द पावर वन का मतलब आई, तो यहाँ पे ए जो है इस क्वेश्चन में, ए इस क्वेश्चन का हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं, ए इक्वल टू आई है, और आर जो है वह सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म यानी कि आई स्क्वायर बट आई, यानी कि वह भी आई है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बताओ मेरे को, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आज n प्लस वन था नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितने हैं देखो, वन टू या फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फाइनली तेरह टर्म, केवल तेरह टर्म, थर्टीन, n इक्वल टू थर्टीन है बस, यानी कि तेरह ही टर्म है। तो बच्चे एस एन इक्वल टू ये फॉर्मूला लगा दो, ये लगा दो इंटू इंटू ए, ए का मतलब क्या आई, वन माइनस आर पे पावर एन, आर क्या आई ही है यहाँ पे, आर इस बार आई ही है, तो आर पे पावर एन, और एन कितना है, एन है तेरह, तेरह ठीक है, तेरह है लिखे, तेरह तेरह डिवाइड बाई वन माइनस आर, वन माइनस आर, आर कितना है आई है। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट द आंसर, वन प्लस आई इंटू आई इंटू वन माइनस, वन माइनस आई पे पावर तेरह, आई इंटू वन माइनस आई पे पावर तेरह, मतलब क्या यहाँ देख लो, आई पे पावर तेरह का मतलब आई पे पावर चार गुना तीन, चौथी बारह प्लस एक, चौथी बारह और एक तेरह, यानी कि आई पे पावर वन, यानी कि आई, बच्चे आई पे पावर तेरह का मतलब क्या आई, तो आई पे पावर तेरह का मतलब आई डिवाइड बाई वन माइनस आई, और ये कैंसिल, क्या हुआ फिर, वन प्लस आई इंटू आई बचा, वन प्लस आई इंटू आई बचा, ठीक है, वी मिटा रहे नीचे में, यहीं पे कर देंगे, ख़त्म करते हैं, अब इंटू कर देंगे, तो वन को आई से इंटू करोगे आई आएगा, प्लस आई को आई से इंटू करोगे आई स्क्वायर आएगा, आई तो आई रहा और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, आई माइनस वन क्या था लाना,
वही आई माइनस वन, इसी को उलट के लिखें कम्यूटेटिव लॉ की तरह से, तो माइनस वन को पहले लिख दो और आई को बाद में लिखो, माइनस वन प्लस आई वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट्स इट फिनिश। ये तुम देख लो क्वेश्चन 11, हम एक बार कैमरा के पीछे देख लेते हैं कि पूरा बोर्ड आ रहा है ना कॉर्नर तक, हाँ राइट कॉर्नर ठीक है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम सीख गए, उम्मीद करते हैं कि प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। थोड़ा ध्यान देखना यहाँ पे, ये वाला हम यहाँ पे जो जीपी वाला है ना यहाँ पे सब कर दिए हैं क्योंकि जगह कम था नीचे में। हम स्क्रीन से तो हट ही गए हैं, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे नोट कर लो। आज हम एक घंटा के थोड़ा पहले ही, 1 आवर कम्प्लीट नहीं हुआ है बट थोड़ा पहले ही ख़त्म कर देते हैं, हालांकि टारगेट हमारा होता है 1 आवर का करने का। अब तुम सोचोगे जब 1 आवर टारगेट है अब करने का तो फिर ये पहले ख़त्म क्यों कर दे रहे हैं 10 मिनट, फिर तुम क्या करोगे, खेलोगे कूदोगे? एक घंटा का क्लास तुम्हारा तो 1.5 घंटा लग ही जाएगा ना करने में एटलीस्ट, लेकिन अब तुम्हारा तो पहले ख़त्म हो जाएगा आज क्लास, तो तुम क्या करोगे, बदमाशी करोगे, पबजी खेलोगे? टिक 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 नहीं खेलो, टाइम तुम्हारा बहुत ही महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, टाइम बर्बाद कर दोगे अभी तो बाद में तकलीफ़ होगा, अभी मत करो बर्बाद समय को। हम तुमको यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए नहीं खड़े हैं, फिलहाल हम तुमको पढ़ाने के लिए खड़े हैं। अब ये मोटिवेट वोटिवेट सब चोना है तो वो सब चीज़ होता होता नहीं है, तुमको मोटिवेट करने का जरूरत है नहीं कुछ, ये सब नया फैशन आ गया है मोटिवेट। हम लोग के टाइम में मोबाइल नहीं था, हम लोग के टाइम में टीवी नहीं था, हम लोग के टाइम में टीवी था यार, ऐसा नहीं है मतलब बाबा आदम जमाने के नहीं है हम लोग, मतलब कि छोटा वाला टीवी था, वो सब घर में टीवी नहीं हुआ करता था, 14 इंच का टीवी चले तो बहुत है और वो भी ब्लैक एंड वाइट। शक्तिमान सीरियल जब था ना फर्स्ट टाइम आया हुआ तो हम लोग शक्तिमान रेड पहनता था और हम लोग के टीवी, हम लोग के मोबाइल वो टीवी में वो ब्लैक वाइट दिखता था, कथैया दिखता था। तो वो टाइम बदल गया, तो हम लोग के टाइम में मोटिवेशन नहीं था, तो क्या IAS नहीं है हमारे ज़माने के, IPS नहीं है, CM नहीं है, प्रधानमंत्री मोटिवेट होके बने हैं क्या? अभी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी, क्या नाम उनका, नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो क्या वो मोटिवेट होकर बने हैं क्या तुम्हारे यूट्यूब से और मोटिवेटर्स, क्या मोटिवेशनल स्पीकर से मोटिवेट होकर थोड़ी ना बने हैं? लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, और जाओ पहले, और जाओ पहले महात्मा गांधी, क्या तुम्हारे यूट्यूब पे जो मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं उनसे बने हैं क्या मोटिवेट होके? तो तुमको अगर लगता है मोटिवेट होने के लिए कोई आदमी चाहिए ना तो गलत दिशा में बह रहे हो। अरे भाई तुमको पढ़ाई करना सिंपल बात है, तुम्हारा एज है अभी 11th में तुम हो, तुम्हारा एज है अभी 16 साल, 15 साल, 18 साल के आसपास, ठीक है? अभी जस्ट मैट्रिक पास किए हो तो 14.5 साल मैट्रिक में एटलीस्ट मिनिमम एज, तो तुम अभी 15 साल 15 सर्टिफिकेट से हो रहे होगे या 16-17 18 से हो रहे होगे तुम, ठीक है? मैक्सिमम भी एक्चुअल एज भी तुम्हारा 18 से ऊपर नहीं होगा। तो अभी इस एज के बच्चों को मोटिवेशनल स्पीकर का ज़रूरत नहीं है, तो हमको भी यहाँ तुमको मोटिवेट करने का ज़रूरत नहीं है। तुम पढ़ रहे हो तो ठीक कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो इट्स योर चॉइस, अपना लाइफ ख़राब कर रहे हो, इसमें मोटिवेट करने की क्या ज़रूरत है? आज मोटिवेट करने का जरूरत पड़ेगा, फिर कल कहोगे कि खाना खाने के लिए मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए होगा, भाई बेकार का बात है सब। तुम देखो, तुम चुपचाप मेरा वीडियो देख रहे हो, एक घंटे का देखना होता है और तुमको अपना लिखना होता है, पढ़ना होता है, तुमको अपना टास्क कंप्लीट करना होता है और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, किसी को, तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे टीचर्स को, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अपना टास्क करो बस। तुम हो कौन, हु आर यू, स्टूडेंट, और तुम्हारा काम क्या? फिर तुम्हारा काम है कि तुम्हारे जो सिलेबस में जो तुम लिए हो, अगर मैथमेटिक्स PCM अगर लिए हो, मैथ लिए हो अगर, तो तुम्हारा काम है सिर्फ तुम्हारे विषय पे तुम्हारा पकड़ बनाना। तुम जरूरी नहीं कि तुम भट्टाचार्य, क्या उसका नाम है, तुम आर्यभट्ट, जरूरी नहीं कि तुम आर्यभट्ट बन जाओ, न्यूटन बन जाओ, लेकिन तुम अपना काम तो करोगे ना। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है कि तुमको, तुम क्लास 11th में हो, तुम्हारे पास एक किताब है, चाहे आर्य अग्रवाल का किताब हो या RD शर्मा का हो या किसी सिन्हा का हो या फिर NCERT ही से बना रहे हो, तुम्हारे हाथ में एक बुक है मैथ का और तुम्हारे मोबाइल पे हम, या मोबाइल पे देख रहे हो या TV पे देख रहे हो या क्या उसको कहते हैं लैपटॉप कंप्यूटर पे देख रहे हो कहीं भी, और तुम्हारे स्क्रीन पे, स्क्रीन बोल दें सब कॉमन हो जाएगा, फिर तुम्हारे स्क्रीन पे हम तुमको पढ़ा ही रहे हैं, तो तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ अपना कॉपी लेना, स्क्रीन पे देखना और लिखना और टास्क बनाना। तो जो हम पढ़ा चुके हैं तुम ना एक्सरसाइज 1 बना सकते हो, चाहे RD शर्मा से बनाओ, RD शर्मा से बनाओ, NCERT से बनाओ,
हाँ भाई एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से अभी जरूरत नहीं मनाने का, एनसीईआरटी में तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सब दिया भी लगता है, बहुत कम होगा। वैसे हम अपलोड कर दिए हैं, मेरे ध्यान में नहीं है, उसमें लगता है कि मॉडल्स और आर्गुमेंट निकालना होगा, मे भी ध्यान नहीं आ रहा है 5.1 में क्या होगा। तो तुम वो हम सारा अपलोड कर चुके हैं, मतलब कि एनसीईआरटी का प्रत्येक एक्सरसाइज अपलोड कर दिए हैं अभी तक। मेरे ध्यान में आ रहा है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का अभी एक लेक्चर और बाकी है। मिसलेनियस में कुल ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिसलेनियस में कुल 20 क्वेश्चंस होगा, जिसमें से कि हम 10 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, बाकी का 10 क्वेश्चन कर देंगे अपलोड, ठीक है। तो अभी तुम बनाओ देख के, मेरा बनाना अभी, और आज ख़त्म कर रहे हैं यहीं पे, एक घंटा में लगभग पूरा दिए होंगे हम। और अब हम तुमको अगले क्लास में शुरू करेंगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चूंकि चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगला लेक्चर देखना तुम्हारे लिए निहायत ही जरूरी है। तुम अगले लेक्चर में सीखोगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट लेक्चर में सीखोगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि रियल नंबर पढ़ लिए थे ना बचपन में 10 तक, अब क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर सीखोगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने के पहले जो ग्राउंड तैयार करना था, वह ग्राउंड तैयार किए हैं दो लेक्चर में, लगभग दोनों लेक्चर 1 आवर का है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बच्चों ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल, कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, पैकअप।